नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कौशाम्बी सैनी थाना क्षेत्र के पूरा मुरीदन में मां काली की मूर्ति खंडित किए जाने का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने राज्यपाल को जिला अधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन केसरिया हिंदू वाहिनी की अगुवाई में सौंपा गया, जिसमें मंदिर की तोड़ी गई बाउंड्री वॉल को ठीक कराए जाने के साथ 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंप मांगों को पूरा कराए जाने की मांग की। इस मौके पर बोलते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष रामेंद्र मिश्र ने कहा कि हिंदू प्रतीकों के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से पूरा मरुधन में माँ दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया गया है वह बहुत ही गलत है। प्रशासन ने अभी तक तोड़ी गई बाउंड्री वॉल को ठीक नहीं कराया, जिसे ठीक कराए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि गांव में दूसरे धर्म के लोग धर्म को धमकी दे रहे हैं, जिससे पूरा समुदाय डरा हुआ है। इस मौके पर गांव में एक पुलिस चौकी निर्माण कराए जाने की मांग लोगों ने की है। इस मौके पर प्रमुख रूप से कुलदीप सिंह, हर्षित मिश्रा, मेवाला, प्रजापत, सोनू, छोटेलाल, सुरेश, मोनू, पवन, विष्णु, गोपाल, धर्मपाल, चांदमणि, सावित्री, कमला, संगीता, राम सवारी, भानमती, मोतीलाल, कमलेश, छोटेलाल, हीरालाल आदि मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।